हेलो फ्रेंड्स, biharrecipe.com में आपका स्वागत है। मैं सीमा तिवारी आज आप लोगों को नेनुआ की सब्जी बनाने की विधि बताऊंगी। इसको कहीं कहीं तोरी भी बोला जाता है। तो देखिए, ये नेनुआ जो हम लिए हैं ये 500 ग्राम है। तो हम इसको जो है बारीक बारीक इसका चक्कू से छिलका उतार करके और बारीक बारीक कट कर लिए हैं। तो अब हम कढ़ाई रखेंगे गर्म होने के लिए। तो देखिए, कढ़ाई भी रख दिए हैं। कढ़ाई मेरा गर्म हो चुका है। इसमें डालेंगे 2 चम्मच सरसों का तेल। तेल गरम हो जाए तो इसमें डाल दीजिए 1/2 छोटी चम्मच जीरा और इसमें डाल दीजिए 1 मिर्च और थोड़ा सा हमने यहाँ 5-6 कली लहसुन लिया है, उसे भी डाल देंगे। और ये बारीक कटा हुआ प्याज है, इसको भी डाल देंगे। और सभी चीज़ को हम हल्का भूनेंगे। ज़्यादा हमको जो है इसको नहीं पकाने करना है गोल्डन ब्राउन, क्योंकि इसके साथ आलू भी फ्राई करेंगे तो आलू के साथ थोड़ा जलने लगता है। तो हल्का सा ये हो जाए तो आप इसमें आलू डाल दीजिए। ये हम 2 बड़े साइज का आलू लिए थे, उसको काट लिए हैं और इसको भी डाल दिए। अब हम आलू को अच्छे से भूनेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। तो आलू देखिए भून चुका है, इसमें हम नेनुआ डाल देंगे और इसको अच्छे से इसे भी हम भून लेंगे आलू के साथ। इसको थोड़ी देर हमें भूनना है। अब देखिए थोड़ा भून गया है तो इसमें हम डाल देंगे ये 1/2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच ये सब्जी मसाला है, 1 चम्मच हम यहाँ हल्दी पाउडर लिए हैं, ये जीरा और काली मिर्च है और स्वाद के अनुसार हम नमक मिला देंगे इसमें। और हम इसको अच्छे से भूनेंगे, 1 से 2 मिनट तक हम अच्छे से भून लेंगे मसाले को भी। तो देखिए मसाला भी अच्छे से भून गया है। अब हम इसमें ये पानी भी छोड़ने लगा है नेनुआ, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे क्योंकि आलू और नेनुआ अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके लिए हम यहाँ 1 कप पानी डाले हैं और इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ ये 1 मीडियम साइज का टमाटर है। और हम इसे थोड़ी देर के लिए एक अच्छी उबाल आने के लिए और सब्जी सब कुछ मिक्स हो जाने के लिए पकने के लिए थोड़ी देर के लिए हम कवर कर देंगे। तो देखिए सब्जी बिल्कुल बन गया है, ये तैयार है। इसमें बारीक कटा हरा धनिया मिला देंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। इसे आप पूड़ी पराठा के साथ खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। तो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो को देखकर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारा यूट्यूब चैनल बिहारी रेसिपी सीमा तिवारी है उसको सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।